बिहार समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या काफी चिंता का विषय है। बात अगर पूरे देश की करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.25 लाख को पार कर चुकी है, जबकि बिहार में आंकड़ा अब तक 2263 हो चुका है। बिहार समेत पूरे देश में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या से लॉकडाउन में दी जा रही ढील पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि गौर करने वाली बात ये भी है कि पूरे देश में अब तक कोरोना वायरस से कुल 3700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 7 राज्यों को सचेत किया है, जिनमें से एक बिहार भी है। WHO ने इन राज्यों को और अधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हुए लॉकडाउन में छूट न देने की अपील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के जिन 7 राज्यों को अलर्ट किया है उनमें से बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़ और तमिलनाडु के नाम शामिल हैं। इन राज्यों में पिछले 2 हफ्ते के कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड का आकलन किया गया है, जिसके आधार पर WHO ने माना है कि इन राज्यों में लॉकडाउन का प्रतिबंध जारी रखने की जरूरत है। बिहार में हालात ऐसे भी बुरे हैं, प्रवासी मजदूरों की वापसी और लॉकडाउन में दी जा रही छूट के बाद कोरोना की रफ्तार और तेज गति से बढ़ रही है। अब बिहार संक्रमित मरीजों के मामले में पंजाब को पीछे छोड़कर टॉप 10 में शामिल हो चुका है। बिहार से आगे अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हैं। बिहार में पिछले 4 दिनों से संक्रमित मजदूरों के मिलने की दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक तरफ जहां बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2200 के पार हो चुका है, वहीं 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। WHO ने सलाह दी है कि जिन राज्यों में 5% से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहां पर लॉकडाउन की सख्ती जारी रहनी चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 18%, गुजरात में 9%, दिल्ली में 7%, तेलंगाना में 7%, चंडीगढ़ में 6%, तमिलनाडु में 5% और बिहार में 5% कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। ये सभी राज्यों में WHO के मानक से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। बिहार की जनसंख्या, लॉकडाउन में छूट और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए WHO की बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ सरकार के सामने चुनौती ये भी है कि राज्य सरकार को इस बात का भी ध्यान देना है कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहे, लोगों का गुजर बसर हो पाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि बढ़ते मरीज, जनता की बुरी आर्थिक स्थिति और WHO द्वारा दी गई इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज़।